नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दो, जिस तरह से लगातार प्रदेश में ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोग पुल के ऊपर से जाते हैं फोन पर बात करते करते और अचानक से वहां से कूद जाते हैं, इस तरह का मामला फिर पिछले ही दिनों जैसे कि देखने को मिला था। ऐसे में अगर बात की जाए, आज फिर जो है शनिवार का शाम हो रहा है, करीबन इस वक्त समय की अगर बात की जाए तो समय जो है 5:55 हो रहा है, यानी आधे घंटे पहले, यानी करीब 5:30 के आसपास एक मामला होता है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने बताया कि कोई लोग जा रहे थे यहाँ से, कुछ कोई व्यक्ति था जो ऊपर से जा रहा था पुल से और फोन पे बात करते हुए और फिर पुनः पानी में जो है कूद गया। ऐसे में जैसे ही इस मामले की जानकारी जो है, इस मामले की गहनता को जानते हुए फौरन जो है अग्निशमन दल की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम यानी 108 एम्बुलेंस सेवा, सिलवासा पुलिस की टीम जो है मौके पर यहां पर पहुंच चुकी है, यानी 112 इमरजेंसी सेवा और सिलवासा पुलिस थाना की टीम भी जो है इस मौके पर यहां पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ कलेक्टर डिपार्टमेंट से जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो भी यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। और ऐसी बात की जाए गोताखोर की टीम जो है अग्निशमन दल की, वो टीम जो है यहां पर, आइए मैं दिखाना चाहूंगा कि वो लोग भी यहां से नीचे जाने की तैयारी में है और पूरे जो कॉस्ट्यूम्स है वहां पर देखिए पहन रहे हैं। और वहां पर मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सीरियसली तौर पर तो ले लिया है, कहीं ना कहीं चीज़ों पर भी अमल धीरे धीरे शुरू हो चुकी है कि आखिर इसे किस तरह से रोका जा सकता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जैसे ही इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा दिक्कत होता है, कोई भी प्रकार की समस्या होती है, तो कोई भी ऐसी समस्या अब तक नहीं बनी है जिसका कोई निराकरण ना हो। तो ऐसे में फौरन आप इस्तेमाल करें, अपने पुलिस सेवा का इस्तेमाल करें, पुलिस की मदद लें, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लें। अगर किसी प्रकार के मानसिक तौर पर किसी तरह का पीड़ा हो रहा है तो मनोचिकित्सक सिलवासा में बेहतरीन तरीके के हैं, आप उनसे जाकर संपर्क करें। कहीं ना कहीं जान देना ये कहीं भी समझदारी नहीं हो सकती, इसलिए मैं और मेरी चैनल की पूरी टीम आपसे निवेदन करती कि इस तरह की चीज़ों पर ना पड़ें। हालांकि जैसे ही हमें इस चीज़ के बारे में पता चले, पिछले दिनों भी जो खबर देखने को मिली थी वो ये थी कि ये ब्रिज से लोग जा रहे हैं फोन पे बात करते करते और फॉरेन नाइट के टाइम उन्होंने डाई लगा दिया था, जिसके बाद 24 घंटे यानी 18 घंटे या 22 घंटे के बीच में उनका शव जो है बरामद कर ली गई थी। ऐसे में फिर आज एक जिस तरह का मामला पता चला, फॉरेन ही देख सकते हैं आप यहाँ से कि पूरी टीम जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है, पूरी टीम जो है यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है। जैसे ही इस विषय पर कुछ अगला अपडेट आता है मैं फॉरेन आप लोगों से साझा करूंगा। बने रहिए सिलवासा न्यूज लाइन से, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।